नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसएसटी अरे मैन। आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने विंडोज के लिए बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपका सिस्टम UEFI में रन कर रहा हो या फिर लेगेसी में रन कर रहा हो। दोनों का ही मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका सिस्टम UEFI सपोर्ट करता है या फिर लेगेसी सपोर्ट करता है? तो सबसे पहले आपको अपने विंडोज़ के टास्क बार में जाना पड़ेगा, वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा SYSINFO। तो वहाँ पे आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है बायोस मोड। यहाँ पे इन माय केस यहाँ पे बायोस मोड UEFI है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कैसे आप अपने UEFI का बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। देन उसके बाद आपको यहाँ लिखना है डिस्क पार्ट, उसके बाद आपको लिखना है लिस्ट डिस्क, जिससे जो भी आपके सिस्टम में डिसकनेक्टेड है वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे डिस्क लिस्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना है अपना डिस्क वन, जो कि मेरा एक्सटर्नल पेन ड्राइव है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो बूटेबल पेन ड्राइव हम क्रिएट करने वाले हैं ये फॉर्मेट होने वाले, तो आप अपना डेटा को बैकअप कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं सिलेक्ट करने में। तो यहाँ पे आप कमांड डालिए सिलेक्ट डिस्क वन, तो मेरे डिस्क वन सिलेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद आपको कमांड डालना है क्लीन, जिससे अन एलोकेट हो जाएगा। तो कन्फर्म करने के लिए इसको दोबारा लिस्ट डाल के देखते हैं NESC अन एलोकेट हो चुका। सो यहाँ पे आप कमांड डालिए कन्वर्ट GPT, जिससे MVR पार्टीशन से GUID पार्टीशन टेबल जो कि GPT है उसमें कन्वर्ट हो जाए। सो ये सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुका है। एंड अब इसके बाद आप कमांड डालिए क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, जिससे जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो जाए आपके पेन ड्राइव। देन उसके बाद ये सक्सेस हो चुका है। उसके बाद आप लिखे सिलेक्ट पार्टीशन वन, जिससे जो पार्टीशन प्राइमरी है वो सिलेक्ट हो जाए। अब आपको इसको फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे आप कमांड लगाइए फॉर्मेट स्पेस FS स्पेस इज इक्वल्स टू स्पेस FAT32 स्पेस क्विक, जिसको आप एंटर कर दीजिए एंड ये सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुका है। तो बाद आपको डिस्क पार्ट को एग्जिट कर देना है। जो अब यहाँ पे डिस्क पार्ट से एग्जिट हो चुके हैं। एंड अब आपको अपने पेन ड्राइव में बूट कोड को राइट करना है। तो उसको राइट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने विंडोज के फोल्डर में जाना पड़ेगा, जो कि बूट फोल्डर है। सो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे कमांड डालना है CD:// जिससे आप एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे। जब उसके बाद आपको दोबारा डालना है CD:// जिससे आप दोबारा एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे। अब आप सी ड्राइव पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आपको लिखना CD:users, जिसमें आपको U कैपिटल में रखना है। देन उसके बाद कमांड देंगे CD:A, जो कि मेरे विंडोज के अकाउंट का नेम है। देन उसके बाद यहाँ पे कमांड देंगे CD:desktop, जिससे हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। देन उसके बाद आप कमांड देंगे CD:windows11, जो कि मेरे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर का नेम है, जहाँ पे मेरा विंडोज की फाइल स्टोर्ड है। तो उसका आपको एग्जैक्ट लिखना है, वरना ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है CD:boot। सो ये बूट फोल्डर में आ चुका है। एंड यहाँ पे आप लिखिए bootsect.exe, देन स्पेस, देन फॉरवर्ड स्लैश, देन NT60, देन स्पेस, देन जो ड्राइव लेटर जिसमें आप अपना बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा USB ड्राइव का लेटर है F, तो यहाँ पे मैं कैपिटल में F लिख दूंगा एंड सेमीकोलन। देन जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आ चुका सक्सेसफुली अपडेटेड FAT32 फाइल सिस्टम बूट कोड। सो ये जो बूट कोड है वो अपडेट हो चुका है। अब आपको अपने विंडोज के फाइल्स में आने एंड वहाँ पे आपको सारी फाइल्स को कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद आपको अपने जो USB ड्राइव है वहाँ पे जाके पेस्ट कर लेना है। पेस्ट होने में ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेस्ट हो चुका है। एंड अब इसको आपको रिमूव कर लेना है। जैसे आप रिमूव करते हैं दोबारा प्लग इन करते हैं, आप देख सकते हैं जो मेरा विंडोज़ का बूटेबल पेन ड्राइव है वो रेडी हो चुका है। अब आप इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में बूट कर सकते हैं। कैसे बूट करना है उसका भी मैंने वीडियो क्रिएट करके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब हमारे UEFI बेस्ड सिस्टम्स के लिए बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं हम लेगेसी बेस्ड सिस्टम्स के लिए। सो उसके लिए सबसे पहले आपको Windows+R प्रेस करना है कीबोर्ड में, देन CAP टाइप करना है, देन ओके में क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको लिखना है डिस्क पार्ट। यहाँ पे हम पहले वाला कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है लिस्ट डिस्क, जिससे आपके जो डिस्क है वो लिस्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको अपना डिस्क सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट डिस्क वन का कमांड लिख देता हूँ, जो कि मेरा डिस्क वन है, जो कि मेरा एक्सटर्नल पेन ड्राइव है। देन उसके बाद इसको आप क्लीन कर दीजिए, जिससे अन एलोकेट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पार्टीशन क्रिएट करना है, जिसके लिए आप कमांड लिखेंगे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। देन उसके बाद ये सक्सेस हो चुका है। देन इसको अब एक्टिव मार्क करेंगे। सो आपको यहाँ पे कमांड लिखना है एक्टिव। देन उसके बाद ये एक्टिव हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेट करना है इसको। सो आपको लिखना है यहाँ पे कमांड फॉर्मेट स्पेस FS इज इक्वल्स टू NTFS, जो कि आपका फाइल सिस्टम NTFS में क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे NTFS लिखने के बाद यहाँ पे स्पेस देन क्विक, एंड ये अब कम्प्लीट हो चुका है। सो बस अब इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप अपने विंडोज के सिस्टम फाइल्स को कॉपी करके अपने USB ड्राइव में पेस्ट कर दीजिए। एंड ये थोड़ा टाइम लेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हो चुका है। अब अपने
यूएसबी ड्राइव को प्लग आउट करके देखते हैं। तो प्लग आउट कर दिया, दोबारा मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं जो विंडोज़ का बूटेबल पैनल है वो क्रिएट हो चुका है क्योंकि इसका साइन चेंज हो चुका है। सब आप इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपके लिए वर्क किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।